हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डिज स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। आज के क्लास में हम लोग करने वाले हैं कोस्ट गार्ड नाविक जीडीडीवी यांत्रिक के सेक्शन वन के लिए साइंस के टॉप 500 एमसीक्यूज, ठीक है, जिसका पार्ट 11 है। और इन सारे को पढ़ के जाते हो तो एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन चांसेस है कि आपको यहीं से पूछे जाए। 10 है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो सकता है कि यहाँ से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और इसको स्टार्ट करते हैं, बट स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, पढ़ाई करते टाइम आपको कहीं भी कोई भी डाउट आ जाए, बस डाउनलोड ऐप को ओपन कीजिए, अपने सवाल का फोटो खींचिए, उसे क्रॉप करिए और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। यानी अब डाउनलोड ऐप के साथ आप तुरंत ही अपने हर सवाल का वीडियो सॉल्यूशन पा सकते हैं। साथ ही आप डाउनलोड ऐप पर पा सकते हैं NDA NA एग्जाम की इंग्लिश मीडियम कोर्सेज, जहाँ आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में पढ़ाया जाएगा। इस कोर्स में आपको NDA रिटेन की कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी, साथ ही नेवी SSR AA एयरफोर्स ग्रुप X की पूरी तैयारी कराई जाएगी। इसके अलावा इस कोर्सेज में आपको मिलेगा ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, डाउट सॉल्विंग, नोट्स, क्विजेज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और बहुत कुछ। तो आज ही डाउनलोड एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए, NDA का कोर्स खरीदिए और एग्जाम को फोड़ दीजिए। देखो अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आप, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि सजीव पदार्थों का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है, ठीक है। अच्छा बताओ, सजीवों का जब अध्ययन कहते हैं तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, बायोलॉजी। बायोलॉजी को हिंदी में कहते हैं जीव विज्ञान। अच्छा एक चीज ध्यान देना, यहीं पे सजीव पदार्थों को भी दो भाग में बांटा गया है, ठीक है। अगर प्लांट के बारे में पढ़ेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, बॉटनी कहेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज कहना, अगर पौधों के बारे में, पौधे भी तो सजीव है ना, फिर भी उनको अगर उनके बारे में पढ़ते हैं तो उनको क्या कहेंगे हम लोग, बॉटनी कहते हैं। और जीवों का अध्ययन करेंगे तो हम लोग जूलॉजी कहते हैं, ठीक है ना। चलो आगे देखो, अभी गाइस क्या कह रहा है, 32 क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाइड्रोजन का आइसोटोप है, ठीक है। हाइड्रोजन के आइसोटोप बताओ, पहले तो हाइड्रोजन 1 है, ठीक है ना। चलो ठीक है, ड्यूटेरियम है, ट्राइटियम है, ये सब चीज़ें मैंने पहले बताई है। तो फिलहाल ऑप्शन में देख लो क्या है, ड्यूटेरियम आपको दिया हुआ है यहाँ पे, तो हाइड्रोजन का एक आइसोटोप क्या हो जाएगा, ड्यूटेरियम। ट्राइटियम भी है, हाइड्रोजन 1 भी है, तो ये सब चीज़ें हैं आपको याद रखनी होंगी। और कल के क्वेश्चन में मैंने एक चीज़ बोल दिया था कि कोशिका की खोज मैंने बोल दी थी स्लाइडन और स्वान ने, ठीक है, बट मैं कहना कुछ और चाह रहा था। वहाँ पे देखो, कोशिका का सिद्धांत दिया था स्लाइडन और स्वान ने और खोज उसकी रॉबर्ट हुक ने की थी, ठीक है ना। चलो, बर्डिंग ईस्ट जो है वो क्या है, ईस्ट, ठीक है। ईस्ट एक प्रकार का कवक है जिसको हम लोग इंग्लिश में फंगस, ठीक है, और इसी को फफुंद भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो बर्डिंग ईस्ट क्या है, ये एक कवक है, फफुंद है, या फिर फंगस भी बोल सकते हो, फंगस संघ का एक क्या है, प्राणी है। अभी देखो क्या कह सकते हो आप, निम्नलिखित धातु में कौन सा धातु पैकेट में नहीं रखा जाता है, किस मेटल को हम लोग पैकेट के अंदर नहीं रख सकते हैं और रीजन क्या है कि नहीं रख सकते हैं। कुछ लोग देखो एल्यूमिनियम को तो पैकेट में डाल सकते हो, लोहे को भी डाल सकते हो, एल्यूमिनियम को भी डाल सकते हो, बट गई सोडियम को जैसे ही आप उठाओगे हाथ में, पैकेट में डालोगे भी नहीं अभी, उसमें आग पकड़ लेगा। अरे वाह, ये क्या बता दिया सर जी आपने। अच्छा, सोडियम एक ऐसा धातु है जिसको मिट्टी के तेल बोल लो या फिर किरोसिन बोल लो, इसके अंदर डुबो के रखा जाता है। रीजन, जैसे ही वो हवा के संपर्क में आता है ना, उसके अंदर आग लग जाता है, समझ गए ना, वो कहा जाता है कि वो अभिक्रिया कर लेता है, ठीक है ना। तो इसलिए सोडियम को किरोसिन के अंदर डुबो के रखा जाता है, पैकेट में नहीं, क्योंकि पैकेट में डालने के लिए आप किरोसिन से बाहर निकालोगे, हवा के संपर्क में आएगा और उसमें, समझ सकते हो क्या हो सकता है। अब आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध को दही में परिवर्तित करता है, कौन करता है, लैक्टोबैसिलस। कल भी हमने ये चीज़ पढ़ा था, ठीक है, लैक्टोबैसिलस, और ये क्या एक बैक्टीरिया है, ठीक है ना, और लैक्टिक एसिड जो होता है दूध के अंदर पाया जाता है, और लैक्टोबैसिलस नाम का ये एक बैक्टीरिया है जो दही बनाने में दूध से हमारी हेल्प करती है। ओके, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लो यहाँ पे, भैया आगे तुम यहाँ आ जाओ पहले। तो ये क्या कह रहा है, देखो, निम्नलिखित पदार्थों में कौन सा पदार्थ बिजली का सुचालक नहीं है, तो लकड़ी, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से मैंने फर्स्ट टर्म में सही पढ़ लिया इसको, लकड़ी, ठीक है। तो लकड़ी जो है ये क्या है, कंडक्टर नहीं है इलेक्ट्रिक का, बाकी प्लैटिनम, स्टील, ये दोनों है, ठीक है। स्टील में भी करंट जाता है, प्लैटिनम में भी जाता है, बट लकड़ी के अंदर नहीं जाता है। हाँ, लकड़ी जब बोले तो हम लोग सूखी लकड़ी का बात कर रहे हैं, हम लोग हरी लकड़ी के बारे में नहीं। हरी लकड़ी में क्या होता है, सुचालक बन जाता है, ठीक है। जब कोई हरी पौधे, मान लो हरी लकड़ी ला रहे हो, उसको वायर में जाके सटाना, जो नंगे वायर होती हैं, आपको करंट लगेगा उसके अंदर, ठीक है ना। आगे देखो, आगे क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कह रहा है छोटी चेचक के कारण होता है, किसके कारण होता है। छोटी चेचक जो हमने कभी पढ़ा था, ये एक वायरस से होने वाली बीमारी है, ठीक है ना। प्रोटॉन का आवास आवेश क्या होता है, चार्ज क्या होता है प्रोटॉन के ऊपर। देखो, इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस होता है निगेटिव चार्ज, तो जिसको हम लोग नकारात्मक कहते हैं, ठीक है, थीके? और प्रोटॉन के ऊपर धनात्मक होता है, जिसपे प्लस चार्ज कहते हैं हम लोग, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन पे माइनस, और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, वो उदासीन होता है।
तो क्वेश्चन क्या पूछा हमसे, प्रोटॉन, प्रोटॉन बोले तो प्लस, इलेक्ट्रॉन बोले तो माइनस, तो आंसर हो जाएगा आपका धनात्मक। ओके याद रखना। आगे क्या कह रहा है, पौधों में पाए जाने वाला जाइलम निम्न कार्य के लिए जिम्मेवार होता है, ठीक है। और गाइस एक चीज देखो, आप लोग बोल रहे थे ना कि सर न्यूमेरिकल आता है एग्जाम में, भैया न्यूमेरिकल आता है लेकिन वो तो सेक्शन टू वाले में आता है ना, मैं तो सेक्शन वन के लिए पढ़ा रहा हूँ आपको। सेक्शन वन में तो बेसिक से साइंस पूछता है, न्यूमेरिकल ना के बराबर रहता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान देना, मैं सेक्शन टू के लिए नहीं पढ़ा रहा, सेक्शन वन के लिए पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। ये देखो क्या कह रहा है, पौधे में जाइलम का काम क्या हो, जाइलम का काम क्या, देखो एक तरीके से जाइलम एक उत्तक है, टिश्यू है, ठीक है, पौधे में पाया जाने वाला। ये दो टिश्यूज होते हैं, जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। ये दोनों टिश्यूज का काम अपना अपना होता है। ये जो उत्तक होता है जाइलम, ये जल का मतलब पानी का परिवहन करता है, और फ्लोएम जो होता है खाद्य पदार्थों का क्या कहता है, परिवहन कहता है, ठीक है। तो याद रखना, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम बोले तो जल, फ्लोएम बोले तो खाद्य पदार्थ, ठीक है ना, तो याद रखना। आगे क्वेश्चन कह रहा है, कौन सी धातु जो है विद्युत चुंबक बनाने में उपयुक्त की जाती है। ऑप्शन चार है, कच्चा लोहा, स्टील, तांबा और कोबाल्ट। फिलहाल आंसर है कच्चा लोहा। कच्चे लोहे को हम क्या करते हैं, चुंबक बनाने के लिए यूज में लाते हैं। ओके चलो आगे क्वेश्चन देखो, नीचे आजा भाई तू इधर। हाँ देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, बट कंफ्यूज मत होना कि शक्ति की इकाई क्या है। पूरा ऑप्शन पढ़ने की आदत डालो, अदरवाइज गलत कर दोगे। कुछ लोग कहेंगे एक जूल प्रति सेकेंड, भैया यहाँ पे पूरे ऑप्शंस को पढ़ लेते तो मैं भी ऐसी गलती नहीं करते, ठीक है। आप क्या सकते हो, एक जूल बोलो चाहे जूल प्रति सेकेंड बोलो, ये भी आंसर है। जूल नहीं होगा शक्ति की इकाई, जूल प्रति सेकेंड ये भी आंसर है, या फिर इसको बोलो वाट, ठीक है। अब वाट को ही हम लोग बोलते हैं जूल प्रति सेकेंड, ठीक है ना। तो अपने को जो परफेक्ट आंसर मिलता है वही देना होगा, ठीक है ना। तो जूल प्रति सेकेंड और वाट, ये दोनों शक्ति की इकाई है, और दोनों का ये तो एक ही चीज़ है। जूल प्रति सेकेंड को ही हम लोग वाट कहते हैं, ठीक है ना। चलो आगे देखो क्या कह रहा है, कि किस माध्यम में ध्वनि की चाल न्यूनतम होगी, बहुत सबसे कम होगी। ध्वनि की चाल देखो, कोई पदार्थ जितना ठोस है, जितना भी ठोस रहेगा उसके अंदर उसकी स्पीड उतनी ही ज़्यादा होगी, जो जितना वैक्यूम होगा उसके अंदर स्पीड उतनी ही कम होगी। तो ऑप्शंस देख लो, जल है, हवा है, पारा है, लोहे, इन सब में उनकी जो है ना डेंसिटी के अकॉर्डिंग चूज कर लो अपना। तो ऑब्वियसली आप समझ सकते हो कि हवा तो गैस है, तो गैस में चाल जो होता है किसकी, ध्वनि की सबसे कम होती है, ठीक है। बाकी इससे भी कम कहाँ, वैक्यूम में होगी, निर्वात में, इससे भी कम हो जाएगी, हवा से भी कम, ठीक है। जेट इंजन, इंजन है, किस प्रकार का इंजन है, ऑप्शन है आपके पास देखो इतने सारे, रोटरी इंजन, बाह दहन इंजन और टर्बाइन इंजन, प्रतिक्रिया इंजन। देखो ये बाह दहन इंजन, अब बाह दहन इंजन का मतलब क्या हुआ, जो अपना फ्यूल बाहर की तरफ से लेता हो, ठीक है, बाहर से लेता हो। देखो रॉकेट होता है, रॉकेट क्या करता है, अपना फ्यूल जो होता है ना वो ढो के चलता है, ठीक है ना। देखते हो ना कि उसमें फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है। और जेट इंजन क्या है ना, कि अपना फ्यूल वो एनवायरमेंट में जो होती है ना हवा, उससे अपना फ्यूल बना लेता है। यही रीज़न है कि उसको अंतरिक्ष में जेट इंजन को नहीं ले जा सकते, बिकॉज वहाँ पे वैक्यूम है, निर्वात है, वहाँ पे उनको कोई हवा मिलेगी नहीं तो फ्यूल बनेगा नहीं, यही रीज़न है, ठीक है ना। चलो आगे क्वेश्चन देखो, एक्स विकिरण की खोज किसने की थी। तो एक्स किरण की खोज किसने की थी, मैंने पढ़ाया था, रॉन्टजॉन ने, ठीक है ना। चलो आगे क्वेश्चन है, पानी का डेंसिटी घनत्व सबसे अधिक कहाँ, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है या फिर सेल्सियस पे होता है, ठीक है। तो ये 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है, याद रखना होगा आपको। न्यूटन की गति का नियम, तीसरा नियम किस में प्रयोग होता है, देखो कुछ लोग कहेंगे अंतरिक्षयान, कुछ लोग कहेंगे तीरंदाजी, और कुछ लोग कहेंगे और भी दोनों, ठीक है, पतंगबाजी में नहीं। तीसरा नियम कहता है क्या है, हर क्रिया के प्रति एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। जैसे अगर आप दीवार पर मारते हो बॉल को, ठीक है, तो वो बॉल क्या, दीवार क्या करता है, बॉल को आपकी तरफ वापस भेज देता है, आप पकड़ के तो भेजता नहीं है, मतलब उस पर दबाव पड़ती है, वापस बॉल आ जाता है। तो ये न्यूटन के गति के तीसरे नियम से मिलता है। रॉकेट में क्या होता है ना, कि वो उसका जो फ्यूल होता है, आग देखते हो नीचे की तरफ आता है तो वो रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है, अंतरिक्षण। तीरंदाजी में देखते होगे कि ये आपका तीर हो गया, ठीक है, मान लो ऐसे ऐसे करके, और इसमें ये पीछे धागा हो गया, धागे को तीर में फंसा के जितना पीछे खींचोगे उतना ही जोर से वो आगे जाएगा, मतलब क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया होगी। लेकिन पतंग में ऐसा थोड़ी है कि पतंग को आप नीचे खींचोगे तो वो ऊपर जाएगा, नीचे खींचोगे तो नीचे ही आएगा ना, वही चीज़ है। तो ये नहीं होगा, तीरंदाजी और अंतरिक्षयान ये दोनों ए और बी क्या करते हैं, ये थर्ड लॉ को फॉलो करते हैं न्यूटन के। आइए क्या कह रहे हैं, हवा में नाइट्रोजन की मात्रा बताओ, मैंने पढ़ाया था जस्ट एक दो दिन पहले, ये 78.08% होती है। तो हम लोग सुविधा के लिए पढ़ते हैं 78%, ठीक है,
तो याद रखना हवा में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है 78%। आगे देखो कह रहा ना कि निम्न में से कौन सा एक पानी में घुलनशील नहीं है, कौन सा, लेड सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, जिंक या फिर सोडियम। लेड बोले तो सीसा, ठीक है समझ लो इस तरीके से, जो कि पानी में घुलनशील नहीं है। ठीक है आगे देखो, निम्न में से कौन सा रासायनिक मिश्रण का संभावित इकाई है, तो मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल आपको पता है कि दो एटम से मिलके बना होता है, समझ गए ना। अब बोल रहे हैं निम्न में से कौन सी गैस वातावरण का हिस्सा नहीं है, अच्छा वातावरण के अंदर कौन सी गैस नहीं होती है वो आपको यहाँ पे बतानी है। नाइट्रोजन होती है क्या, जी जनाब मैंने बोला 78% के अराउंड होती है। कार्बन डाइऑक्साइड होती है तभी तो हम लोग क्या करते हैं छोड़ देते हैं वापस से वायुमंडल में। ऑक्सीजन होती है तभी तो हम लोग ऑक्सीजन वायुमंडल से लेते हैं, लेकिन क्लोरीन नहीं होती है। ये क्लोरीन जो है हमारे वायुमंडल के अंदर नहीं होती है, ठीक है तो ये चीज़ याद रखना होगा आपको, बाकी ये तीनों होती है। अब गाइस यहाँ पे सवाल ये बनता है कि टोटल क्वेश्चंस थे 20, आपने कितने स्कोर किए जरा कमेंट सेक्शन में बता दो अभी फटाक से, ठीक है। जिसने भी 20 में से कम 18 तक स्कोर किया उसको एक दिल मिलेगा, ठीक है मेरी तरफ से। जिसने 15 प्लस किया उसको एक एक दिल मिलेगा, 15 लो किए तो कम से कम मेहनत करो ताकि और ज़्यादा स्कोर हो सके बच्चों। और हाँ जाते जाते एक बात, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, बाकी मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया है और साथ में टेलीग्राम चैनल भी है तो दोनों को देख लेना। इस साइंस 2021 एक प्लेलिस्ट है जिसमें सारी साइंस की क्लासेस मिल जाएंगी, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना जहाँ पे रेगुलर मैं क्वेश्चन साइंस जीके मैथ रीजनिंग की देते रहता हूँ क्यूज के तौर पर, तो उस क्यूज में पार्टिसिपेट करो और क्या। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में अपने बताना कमेंट जरूर कि कितने मार्क्स आपने गेन किए हैं, ठीक है चलो बाय बाय।